Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the 28th lesson, that is last lesson, and the name of the lesson is The Hunter Hunted. तो ये लेसन कहाँ से स्टार्ट होता है? जो मिस्टर हिलास थे वो कैंप के नियरेस्ट नेबर थे. He was asleep, वो सो रहे थे in his summer house. समर हाउस हम किसको बोलते हैं? जो गार्डन में एक छोटा सा रूम होता है उसको हम समर हाउस बोलते हैं. तो उसमें सो रहे थे तो अचानक उनकी नींद खुली. उनको ऐसे लगा दैट समथिंग हैज रॉन्ग हैपेंड. तो ही लुक्ड अक्रॉस एट कैंप्स हाउस. उन्होंने कैंप के घर को देखा. अपनी आंखों को मलने लग गए क्योंकि जो उन्होंने देखा उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ. एवरी विंडो वॉज ब्रोकन. घर की हर विंडो टूटी हुई थी. एंड द विंडो was blinded by internal shutters. और हर विंडो अंदर से उसके अंदर से शटर्स क्या थे? बंद थे. तब उन्होंने क्या एक चीज देखी कि जो डाइनिंग रूम की विंडो थी वो अचानक खुली और उसमें से उन्होंने किसको निकलते हुए देखा? जो उनकी हाउसमेट थी डॉक्टर कैंप की, उसको निकलते हुए देखा. तो फिर मिस्टर हिलास ध्यान से देखने लग गए तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा? कैंप को निकलते हुए देखा विंडो से. वो झाड़ियों की तरफ भागने लगे और वो नीचे झुककर जा रहे थे, भाग रहे थे. तो जब वो झुककर नीचे भाग रहे थे उसके बाद वो दिखना बंद हो गए क्योंकि वो बुशी ट्रीज के अंदर चले गए. बाद में उन्हें दिखाई दिए तो वो मिस्टर हिलास के घर की तरफ ही आ रहे थे. जो डॉक्टर कैंप थे वो डॉक्टर हिलास के घर की तरफ ही आ रहे थे. जो मिस्टर हिलास थे उन्होंने एकदम अपने घर की तरफ भागना शुरू किया. उस रूम से अपने घर की तरफ भागना शुरू किया. जो मिस्टर हिलास थे उनका जो कुक था वो ऊपर था टॉप पर. तो वो सब कुछ देख रहा था कि घर की तरफ कौन भाग कर आ रहे हैं. जो मिस्टर हिलास है वो भाग कर आ रहे हैं और अचानक उन्होंने जोर से डोर बंद किया मिस्टर हिलास ने. और वो जोर से चिल्लाए शट द डोर्स, शट द विंडोज, शट एवरीथिंग. हर चीज को क्या कर दो? बंद कर दो. Because the invisible man is coming. क्योंकि invisible man आ रहा है. और वो खुद भागे एक विंडो को बंद करने के लिए. फ्रेंच विंडो, फ्रेंच विंडो उसको बोलते हैं जो गार्डन की तरफ खुलती है. तो उसको बंद करने के लिए वो खुद भागे जो वरांदा की तरफ खुल रही थी. As he did so, जब वो ऐसा कर ही रहे थे जो कैंप का हेड और शोल्डर थे वो दिखाई देने लग गए. गार्डन की चार दीवारी के ऊपर से दिखाई देने लग गए. Another moment, अगले ही मोमेंट में क्या हुआ? जो कैंप थे वो लॉन से भाग कर आ रहे थे मिस्टर हिलास के घर की तरफ. तो मिस्टर हिलास ने कहा यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते. और दरवाजा बंद करते हुए कहा आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि वो तुम्हारे पीछे है लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते. कैंप जो था, जो डॉक्टर कैंप थे, उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया. जो फ्रेंच विंडो थे उसके ग्लास के ऊपर से उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया. जब उन्होंने देखा कि मेरे एफर्ट्स यूजलेस हैं और मिस्टर हिलास नहीं खोलेंगे दरवाजा, तो वो बरामदा की तरफ भाग गए. और किस तरफ भागे? जो फ्रंट गेट था हाउस का उसकी तरफ. जो मिस्टर हिलास थे वो उनको देख रहे थे विंडो से और उनके चेहरे पर डर था. फिर उन्होंने क्या देखा? एक अजीब चीज देखी कि जो डॉक्टर कैंप भाग रहे हैं उनके पीछे से जो उनके गार्डन में स्पिनर्स थी वो दब रही थी, टेम्पल्ड हो रही थी, दब रही थी किसी अनसीन फीट से. तो वो समझ गए कि जो इनविजिबल मैन है वही उसका पीछा कर रहा है. और जो डॉक्टर कैंप थे उनको एंट्री नहीं मिली, मिस्टर हिलास के घर में एंट्री नहीं मिली. तो उन्होंने हिल रोड पर भागना शुरू कर दिया. जब वो हिल रोड पर भाग रहे थे तो नेचुरली वो नीचे की तरफ ही जाएंगे. जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी उसी तरफ वो भाग रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा? हर घर क्या है? बंद है, लॉक्ड है. और उन्होंने सोचा कि ये सारे घर जो लॉक्ड हैं वो मेरे ही ऑर्डर से बंद हैं. लेकिन वो सोच रहे थे कि कोई एक आधा तो खुला होता ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए जैसा मेरे साथ हुआ है. तभी वो जब भाग रहे थे तो एक ट्रैम, पुराने जमाने में उसको घोड़े वगैरह खींचते थे, गाड़ी होती थी, पीछे लोग बैठ जाते थे. तो
एक ट्रेन थी अराइविंग एट द फुट ऑफ द हिल, वो हिल के फुट पर पहुंच रही थी और उसके पीछे परे उससे एक पुलिस स्टेशन था। जो पीपल थे रोड पर वो डॉक्टर कैंप को घूर रहे थे, देख रहे थे, और जो डॉक्टर कैंप था वो भी हांफ रहे थे। जो ट्रेन थी वो बिल्कुल डॉक्टर कैंप के नजदीक थी, तो डॉक्टर कैंप ने सोचा पहले कि मैं जंप लगा के किसी ट्रेन के अंदर चला जाऊं, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अनदर मोमेंट क्या हुआ, ही हैड पास द क्लोज डोर, उन्होंने डोर को डोर के आगे से निकले, जो डोर बंद पड़े थे जोली क्रिकेटर बार के। जो ट्रेन का ड्राइवर था और उसका जो हेल्पर था वो हैरान थे डॉक्टर कैंप को देखकर कि डॉक्टर कैंप इतनी जल्दी में और घबराए हुए क्यों भाग रहे हैं, वो डॉक्टर कैंप को घूर रहे थे। तो क्या हुआ, उसके आगे थोड़ी आगे, ट्रेन से थोड़ी आगे कुछ नेविस थे, नेविस खड़े थे जो रोड वगैरह बनाते हैं, मजदूर वगैरह वो थे। तो उन्होंने भी डॉक्टर कैंप को देखना शुरू कर दिया। तो जो डॉक्टर कैंप थे उन्होंने नेविस को देखकर, वो जो मजदूर थे उनको देखकर चिल्लाए इनविजिबल मैन, और उनकी तरफ इशारा भी किया। अब जो नेविस थे और एवरीवन अराउंड, जो आसपास जो भी लोग थे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और वो किस लिए भाग रहे थे, इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए। और एक ह्यूज बड़ा सा नेवी, तगड़ा सा नेवी जो मजदूर था उसके हाथ में क्या था, स्पेड था, फावड़ा जिससे कोते वगैरह हैं। वो कुछ कर्स करते जा रहा था, कुछ अपने आप से बोलते जा रहा था। कैंप अचानक वहां पे रुका, ही लुक्ड अराउंड, उसने मुड़कर देखा और उसने उस नेवी को कहा, ही इज क्लोज हियर, वो बिल्कुल मेरे नजदीक है, बिल्कुल मेरे पास है। बिफोर ही कुड से अनदर वर्ड, इससे पहले कि डॉक्टर कैंप कुछ और वर्ड बोल ही पाते, ही वॉज हिट अंडर द ईयर, उनके कान के नीचे जोर से लगी, वो इनविजिबल मैन नहीं मारी, और वो घूमते हुए से पीछे की तरफ चले गए। मुश्किल से ही उन्होंने अपने आप को गिरने से बचाया और उससे मुकाबला करने की कोशिश की, हवा में ही हाथ चलाते रहे अपने डॉक्टर कैंप। देन उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज हिट अगेन अंडर द जॉस, उसके जबड़े के नीचे उनको जोर से मारा गया और वो नीचे सीधा जमीन पर नीचे गिर गए। और अगले ही मोमेंट में क्या हुआ, एक नी, एक घुटना उनके पेट पर आया, उसके पेट को दबाया, एंड कपल ऑफ हैंड्स, और दो हाथों ने डॉक्टर कैंप के गले को पकड़ लिया। लेकिन एक हाथ की जो ग्रिप थी ना वो क्या थी, वीकर थी, कमजोर थी दूसरे हाथ से, क्योंकि इनविजिबल मैन के एक हाथ पर चोट लगी हुई थी जब एक पुलिस वाले ने डंडा मारा था। कैंप ने किसको पकड़ लिया, उस इनविजिबल मैन की रिस्ट को, कलाई को पकड़ लिया। जब उसने कलाई को जोर से पकड़ा तो एक चीख सी उन्होंने सुनी पेन की, क्योंकि तो उसके हाथ पर लगी हुई थी, और जब डॉक्टर कैंप ने के हाथ को पकड़ा, रिस्ट को पकड़ा, तो उसकी एक चीख निकल गई। उसके बाद क्या हुआ, स्पेड ऑफ द नेवी जो मजदूर के हाथ में फावड़ा था वो घूमता हुआ आया और उसने जोर से हिट किया, किसी चीज से वो टकराया, आवाज आई बहुत तेज, द ग्रिप एट हिज थ्रोट, और जो डॉक्टर कैंप के गले पर ग्रिप थी वो थोड़ी रिलैक्स हो गई, ढीली पड़ गई। उसी समय क्या हुआ, कैंप ने अपने आप को छुड़वा लिया और रोल्ड अपवर्ड्स और ऊपर आ गए। पहले वो नीचे गिरे हुए थे, उसकी ग्रिप छूट गई इनविजिबल मैन की और छुड़ाकर वो ऊपर हो गए। ही ग्रिप द अनसीन एल्बोस, और उन्होंने किसको पकड़ लिया, एल्बो को पकड़ लिया जमीन पर जो दिख नहीं रही थी, और वो बोले, डॉक्टर कैंप आई हैव गॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया है, हेल्प हेल्प होल्ड हिम, वो नीचे ही है, होल्ड हिज फीट, उसके पाओ को कोई पकड़ो। और उस बार क्या हुआ, देयर वॉज ए साउंड ऑफ ब्लोस, ब्लोस की साउंड आने लग गई, कोई हर तरीके से जो लोग थे वो इनविजिबल मैन को मारने लग गए, और बीच में एक सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। विद ए माइटी एफर्ट्स द इनविजिबल मैन, जो इनविजिबल मैन था उसने बड़ा ही एफर्ट करके अपने आप को लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़ा किया। कैंप ने फ्रंट से आके उसे पकड़ लिया, एंड डजन हैंड क्लच्ड, और जो काफी सारे हाथ थे उन्होंने अनसीन को पकड़ लिया और वो उसको मार रहे थे। देन सडनली क्या हुआ, ए वाइल्ड स्क्रीम, एक
बड़ी तेज आवाज आई, मर्सी मर्सी, भाई मेरे को मेरे पर दया करो। वो इनविजिबल मैन की आवाज थी। तो डॉक्टर कैंप ने कहा, गो बैक यू फूल्स, लोगों से कहा गो बैक, उसको चोट लग गई है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसको चोट लग गई है। तो जो बिग सा बड़ा सा नेवी था, मजदूर था, उसने कहा कि उसे जाने मत देना। उसके हाथ में क्या पकड़ी हुई थी? स्पेड पकड़ी हुई थी, पावड़ा पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। और उसने कहा, ही शेमिंग, जो इनविजिबल मैन है वो ढोंग कर रहा है, तुम्हें पागल बना रहा है, उसे जाने मत देना। डॉक्टर कैंप ने कहा, ही इज नॉट शेमिंग, वो ढोंग नहीं कर रहा है। डॉक्टर कैंप भी मुश्किल से बोल रहे थे क्योंकि उनके लिप से भी क्या निकल रहा था? ब्लड निकल रहा था। तो ही रिलीज वन हैंड एंड सीम टू बी फीलिंग एट इनविजिबल फेस। उनका हाथ, वो किसको फील कर रहे थे? इनविजिबल मैन के फेस को फील कर रहे थे। मुंह बिल्कुल गीला था, उन्होंने सबको बताया कि मुंह गीला है। कैंप उसके बाद नीचे झुके ग्राउंड पर, और जो अनसीन मैन था, जो दिख नहीं रहा था, उसके साथ साइड में बैठ गए और बोले, ही इज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा है। आई कांट फील हिज हार्ट, और उसके मैं हार्ट को भी फील नहीं कर पा रहा हूं, उसका जो हार्ट बीट है वो भी बंद है। उसी समय क्या हुआ, एक ओल्ड वुमेन जो वहां पर खड़ी हुई थी वो चिल्लाई और उसने इशारा किया नीचे। जिस तरफ उसने इशारा किया, जब वहां देखा गया तो ट्रांसपेरेंट वेन्स, आर्टरीज, बोन्स, हड्डियां, नर्व्स, सब ग्लास की बनी हुई, एक आउटलाइन सी बनी हुई। इट ग्रू क्लाउडेड, ये क्लाउडेड सी हो गई एंड देन ओपेक, फिर दिखने लग गई थोड़ी देर में। कॉन्स्टेबल एक वहां पे खड़ा था, वो चिल्लाया, हेयर इज फीट आर शोइंग, यहां पे उसके पांव भी दिखाई दे रहे हैं। स्लोली क्या हुआ, बिगनिंग एट द हैंड्स एंड फीट, और जो हाथ और पांव थे वो दिखने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, और पूरी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होने लगी। और ऐसे विजिबल हो रही थी, इट वॉज लाइक द स्लो स्प्रेडिंग ऑफ ए पॉइजन, जैसे कि धीरे धीरे जहर फैलती है, वैसे वैसे उसकी बॉडी दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद क्या दिखाई दी, उसकी जो चेस्ट थी वो बिल्कुल क्रश्ड थी, कुचली हुई थी, जो लोगों ने उसको मारा था बहुत ज्यादा। एंड देन द डिम आउटलाइन ऑफ हिज बैटर्ड फीचर, उसके जो बैटर्ड फीचर थे, खराब हुए हुए, लोगों ने बहुत मारा था, वो दिखाई देने लग गए। तो वहां पे क्या था, एक बॉडी दिखाई दी, नेकेड, बिना कपड़ों के, पिटीफुल बॉडी ऑन द ग्राउंड, चोटें लगी हुई, ब्रोकन बॉडी थी एक यंग मैन की। एज उसकी लग रही थी लगभग 30 साल को लग रहा था। किसी ने वहां पे बोला, गौर से कवर इस फेस, इसके फेस को कवर करो, जल्दी कोई चीज लाओ। कोई गया और एक शीट लेकर आया जोली क्रिकेटर बार से, और उस शीट से उसको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। तो फिर वो उसको जोली क्रिकेटर बार में लेके गए, वहां पे उन्होंने एक गंदे से बेड पर उसको लिटा दिया। इल लाइटेड बेडरूम था, रोशनी भी वहां पे पूरी नहीं थी। तो इस तरीके से जो ग्रिफिन था, जो मोस्ट गिफ्टेड एक साइंटिस्ट था जो दुनिया ने कभी देखा था, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। वही इंसान था जिसने अपने आप को क्या बनाया था, इनविजिबल बनाया था, उसका जो स्ट्रेंज और टेरिबल करियर था वो खत्म हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो यहां पे ये जो लास्ट चैप्टर है, 28th चैप्टर, वो एंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एपिलॉग है इस नॉवल का, मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से ये नॉवल समझ में आ गया हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।